दृश्य बंद हो गए और नदौर में जो नदी में माइनिंग हो रही थी और कैप्टिव क्रशर को मटेरियल नहीं दिया जा सकता, वहीं पर होना चाहिए जहां सड़क से खुदाई होती है। हाँ, मटेरियल किसका जा रहा था? रोज का लाखों रुपए का मटेरियल जो निकल के जा रहा था वो सुखू के परिवार का निकल के जा रहा था, उनके भी बंद हुए। ये है बेईमानी। अपने लिए तो दरवाजे खुले और बाकी के लोगों के लिए बंद। उन्होंने भी रोटी खानी, उन्होंने काम करना है, उनके पास भी सैकड़ों लोग काम करते हैं, उनकी भी तनख्वाह देनी है। तो इसलिए बेईमान किस्म के लोग हैं और इन बेईमानों के साथ हमारी नहीं बनी, ना इनके साथ हमारी विचारधारा मिली और उस घुटन में हम नहीं रहना चाहते। मेरा जो जीवन है 12 साल का वो भारतीय जनता पार्टी में रहा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जाने के भी हालात थे और अब आए हैं तो भी हालात हैं। इनकी आत्मा, इनका शरीर सब कुछ शिमला में है, इनकी पढ़ाई शिमला में हुई, इन्होंने घर शिमला में बनाया और नदौड़ में जब भी आते हैं तो रेस्ट हाउस में ठहरते हैं और शिमला से सारे मंत्री, शिमला से सारे ओएसडी, शिमला से सारे एडवाइज़र और सारे के सारे चेयरमैन, सारे बोर्ड कॉर्पोरेशनों के मेंबर शिमला से बनाए। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमीरपुर से छीना है। एक सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो था, जो कि आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने खोला था, पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने आते थे, नौकरियाँ बच्चों को मिलती थी, वो इन्होंने बंद किया।